Sunsunny. कानून के रखवालों की ऐसी बेबसी और लाचारी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। गौर से देखिए इन मुट्ठी भर लोगों के सामने कैसे भीगी बिल्ली बन गए हैं यूपी के कुछ पुलिस वाले। जो पुलिस वाले एक लड़की के रखवाले बनकर थाने से निकले थे, लेकिन जब इन बेखौफ गुंडों ने गाड़ी का रास्ता रोका तो गाड़ी में सवार तमाम पुलिस वालों को जैसे सांप सूंघ गया। डर के मारे वर्दी वालों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो गुंडों की भीड़ से लड़की को बचाएं या अपनी जान की खैर मनाएं। भीड़ को देखकर डरे सहमे ड्राइवर ने पुलिस की गाड़ी भगाई जरूर, लेकिन थोड़ा सा फासला तय करते ही उसे ब्रेक लगानी पड़ी और गाड़ी के ब्रेक लगते ही वहां ऐसी वारदात हुई जिसने यूपी पुलिस को शर्मसार कर डाला। गुंडों की भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर धावा बोलकर सरेआम पुलिस की कस्टडी से एक लड़की को किडनैप कर लिया और ये सब हुआ कैमरे के सामने। कुछ पुलिस वालों की बुजदिली और नकारेपन की गवाही देने वाला ये वीडियो यूपी के मुजफ्फरनगर का है। आप भी देखिए भरे बाजार में पुलिस की गाड़ी पर अटैक करने वाले गुंडों ने कैसे इस लड़की को पुलिस वालों की आंखों के सामने ही गाड़ी से बाहर निकाल लिया। देखिए कैसे ये गुंडे इस लड़की को सड़क पर घसीट रहे थे और अब देखिए गुंडों ने कैसे इस लड़की को किसी पुतले की तरह अपने हाथों में उठा लिया और फिर देखते ही देखते लड़की को लेकर वहां से भाग गए। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि पुलिस वालों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और जब तक लड़की की हिफाजत के लिए तैनात महिला पुलिस खुद को संभाल पाती तब तक वो लड़की गायब हो चुकी थी। महिला पुलिस भी उसी दिशा में दौड़ी जिधर गुंडे लड़की को लेकर भागे थे, लेकिन ये कोशिश ठीक वैसी ही थी जैसे सांप गुजरने के बाद लकीर पीटते हैं। पुलिस कस्टडी से किडनैप की गई ये लड़की मुजफ्फरनगर के एक गांव की रहने वाली है। इसका आरोप है कि कुछ दिन पहले चार लड़कों ने इसका अपहरण कर लिया था। पीड़ित लड़की की माने तो इसे किडनैप करने वाले लड़कों ने इसके साथ मारपीट भी की थी। क्या हुआ आपके साथ? जिसमें पाइप लगाने जा रही थी पानी भरने को टैंकी पे शेफ के ऑफिस के यहाँ और चार लड़का एक कार लेके अजी मुझे उठा रहे थे और मारपीट करी, मुझे घसीट के ले जा रहे थे उसमें कार में। चारों के मुँह पर डंडा लगा था, फिर मैंने उन्हें पहचान लिया जब उन्होंने डांटा तार दी कार में और मारपीट कर रहे थे मेरे साथ। क्या कोई गलत काम वगैरह कुछ मारा पीटा बस तुम्हें? लड़की का दावा है कि इसने किडनैप करने वाले लड़कों को पहचान लिया था। लड़की के परिवार की शिकायत पर आरोपी लड़कों के खिलाफ मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाने में अपहरण का केस दर्ज कर लिया गया था। पुलिस के संज्ञान में परसों रात में इस तरह की एक शिकायत आई थी। एक बच्ची के परिजनों ने आके शिकायत की थी कि चार लड़कों ने उसके साथ उठाने का प्रयास किया। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा पुलिस इसकी गहनता से छानबीन कर रही है। जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कुछ ही घंटे बाद अपहरण की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया था। इस सिलसिले में पुलिस ने तमाम आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी। लड़की के अपहरण का पूरा सच सामने लाने के लिए पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी थी। पुलिस पीड़ित लड़की की मेडिकल जांच करवाना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार वाले मेडिकल जांच कराए जाने के सख्त खिलाफ थे। इस बीच ये मामला हाई कोर्ट तक जा पहुंचा और हाई कोर्ट के आदेश पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने पीड़ित लड़की की मेडिकल जांच कराने का फैसला कर लिया। इसी बात पर लड़की के परिजन भड़क गए और जब पुलिस पीड़ित लड़की को मेडिकल जांच कराने के लिए ले जा रही थी तब उसके परिवार वालों ने कई दूसरे लोगों के साथ मिलकर पुलिस पर धावा बोल दिया। उन लोगों ने ईंट और लाठी डंडों से भी वार किए। लड़की के परिवार वाले किस तरह सरेआम गुंडागर्दी पर उतर आए थे
ये आप देख ही चुके हैं। लड़की के परिवार वालों ने गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर डाली और उसे जबरन पुलिस कस्टडी से उठा ले गए। ये मामला मीरापुर थाने से संबंधित है। आज माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे उस महिला के परिजन आए थे और महिला थाने आए थे कि इसका मेडिकल कोर्ट के आदेश से कराने के लिए। महिला पुलिस इसे लेके हॉस्पिटल गए थे, वहाँ महिला जो अपहृत महिला थी उसके परिजन भी वहाँ थे, उनके द्वारा एक्सरे रूम से उस महिला को ज़बरदस्ती ले जाया गया, क्योंकि उस समय वहाँ पे कुछ पुरुष कांस्टेबल थे और महिला फोर्स थी। किडनैपिंग की ये पूरी वारदात वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई थी और मौका वारदात पर मौजूद कई लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे से भी किडनैपिंग का ये वीडियो तैयार किया था। पुलिस कस्टडी में एक लड़की की किडनैपिंग के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। आनन फानन में पुलिस की कई टीमें लड़की की तलाश में जुट गईं। पीड़ित लड़की और उसके किडनैपर्स की तलाश में पुलिस कई घंटों तक खेतों और सुनसान इलाकों की खाक छानती रही। उसी दौरान पुलिस ने वो गाड़ी बरामद कर ली जिसमें पीड़ित लड़की के परिवार वाले उसे किडनैप करके ले गए थे। आखिरकार एक सुनसान इलाके से पुलिस ने लड़की को सही सलामत बरामद कर लिया। पीड़ित लड़की को पुलिस की कस्टडी से किडनैप करने वालों के खिलाफ अब पुलिस कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। सर, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? उनके खिलाफ मुकदमा पुलिस के द्वारा भी लिखाया जा रहा है तथा लड़का पक्ष के लोग भी मौजूद थे जिनके साथ मारपीट की गई है और उसमें भी उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और हंगामा करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई इस पूरे प्रकरण में की जाएगी। पुलिस की माने तो लड़की के अपहरण के पीछे एक प्रेम कहानी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि जिस लड़के के खिलाफ लड़की के परिवार वालों ने अपहरण का केस दर्ज करवाया था उसके साथ लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस नई कहानी की हकीकत क्या है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा।